जय श्री राम दोस्तों, एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ में हूँ। हमने ये यात्रा जो शुरू की थी वो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊपर वाले भाग MCB जिला में सीतामढ़ी हर चौका से शुरू की थी और उसके बाद हम छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक कई जगहों पर गए और आज मैं पहुँचा हूँ छत्तीसगढ़ के सबसे निचले भाग सुकमा जिले पर। सुकमा जिला जो है ये पूरे छत्तीसगढ़ और भारत का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। नक्सलवाद और माओवादी से प्रभावित इस क्षेत्र को माना जाता है, लेकिन ये जो जगह है ये प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ की अधिकतर जो आबादी है वो आदिवासी है, जंगलों में रहते हैं और ऐसा कहा जाता है सुकमा का जीवन जो है वो जंगली है। प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय यहाँ सुकमा में आए थे और यहाँ की प्रसिद्ध चिटमिटिन माता के वो दर्शन किए थे और चिटमिटिन माता के मंदिर में उन्होंने अपनी भूदेवी की पूजा की थी। चिटमिटिन माता जो है वो यहाँ छत्तीसगढ़ में और सुकमा के आदिवासियों की प्रमुख देवी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सुकमा की यात्रा करेंगे और सुकमा में स्थित चिटमिटिन माता के दर्शन करेंगे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बहुत ही खूबसूरत रॉक गार्डन बनाया है। छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में 9 ऐसे स्थान को डेवलप कर रही है जो प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा से जुड़े हैं। 8 स्थान मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं और आज मैं आपको 9वां श्री राम वनगमन मार्ग पर्यटन परिपथ है उसके दर्शन कराने वाला हूँ। इस वक्त अभी मैं हूँ सुकमा के बस स्टैंड पर। जब आप सुकमा में आएंगे तो सारी बसेस आपको यहाँ पर ही लेके आएंगी। ये देखिए, ये सुकमा का बस स्टैंड है, यहाँ पर ये घंटा घर है और यहाँ पर ये स्वामी विवेकानंद जी की स्टैचू है और पीछे ये बस स्टैंड है। तो सुकमा में यहाँ पहुँचने के लिए जो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मिलेगा वो छत्तीसगढ़ राज्य का राजधानी है रायपुर, और रायपुर से ये सुकमा की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। तो आपको वहाँ रायपुर से यहाँ सुकमा आने के लिए डायरेक्टली बस मिल जाएगी। उसके अलावा तेलंगाना का खम्मम स्टेशन भी जो है वो यहाँ सुकमा से करीब है, तो आप खम्मम भी आ सकते हैं और खम्मम से फिर बस लेकर आप यहाँ सुकमा तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर बस स्टैंड के पास में ही कई सारे होटल्स और गेस्ट हाउस है जहाँ पर आपको बहुत सस्ते में रुकने के लिए जगह मिल जाएगी। 500-1000 रुपये में आपको यहाँ पर अच्छे होटल मिल जाएंगे। और यहाँ से जो चिटमिटिन माता है जिसे रामाराम कहा जाता है, वो रामाराम जो स्थान है वो लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से आपको टैक्सी और बसेस कंटिन्यू मिल जाती है रामाराम के लिए। तो अभी मैं यहाँ बस स्टैंड पे आया हूँ, अब हम यहाँ से रामाराम चलते हैं और रामाराम चल के मैं आपको वहाँ क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी वो दिखाता हूँ। क्या बोलो? कुछ नहीं। अरे बोलो, लाइक करो, कमेंट करो, बोलो। कुछ नहीं। अरे यार ऐसे थोड़ी शर्मा के चलता है। यहाँ से आपको रामाराम के लिए बस मिल जाएगी और बाहर से भी आ रहे हैं तो आप यहीं पे उतरेंगे। और यहाँ पे देखिए ऑटो स्टैंड है, ये ऑटो वाले यहाँ से 500 रुपया लेते हैं जाना और आना। ये रामाराम और रॉक गार्डन आपको दिखाकर वो लेके आ जाएंगे। तो रामाराम का जो डिस्टेंस है यहाँ से 9 किलोमीटर है। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं और ये जो बस खड़ी है ये बस अभी जा रही है यहाँ से रामाराम। तो ये सुकमा से ओलेर नाम की जगह पे जा रही है, तो ये रामाराम होते हुए जाएगी। तो हम इसी बस से चलते हैं। सुकमा में मैं कल से आया हूँ और जो मैंने एक चीज़ देखा, सुकमा के बारे में लोग कई सारे बातें करते हैं, लोग यहाँ आने के लिए डरते हैं। यही छत्तीसगढ़ के रायपुर जगदलपुर से भी लोग यहाँ सुकमा आते नहीं है और बाहर के लोग तो बहुत ही गिने चुने, मेरे जैसे कोई पहुँच गए तो पहुँच गए, यहाँ पर कोई सुकमा आता नहीं है। लेकिन सुकमा जो है ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ के जो लोग हैं बहुत भोले भाले और सीधे लोग हैं। है यहाँ पे प्रॉब्लम है नक्सलवाद का, माओवादी का, वो सारे प्रॉब्लम्स आम जनता के लिए कोई मायने नहीं रखता। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, मैं अभी यहाँ से बस हमारी खड़ी है, बस लेते हैं और बस पकड़ के हम यहाँ से रामाराम पहुँचते हैं। तो अभी मैं वहाँ सुकमा से यहाँ रामाराम पहुँच गया हूँ और ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये जो हाईवे देख रहे हैं, ये सीधा यहाँ से सुकमा टू हैदराबाद जाने वाला हाईवे है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको एक चीज़ याद रखना है, रामाराम गांव जो है वो यहाँ से 3 किलोमीटर और आगे है और 3 किलोमीटर पहले ही आपको देखिए ये प्रवेश द्वार दिखेगा। ये जो आप प्रवेश द्वार देख रहे हैं ये हाईवे पे, यहाँ पे आपको गाड़ियाँ उतारेंगी, सामने प्रवेश द्वार है और यहाँ पे बोर्ड लगा है श्री राम वन गमन पर्यटन परिपथ, पूरा नक्शा दिया हुआ है जिस नक्शे से हम पूरी ये यात्रा करते हुए, हमने यहाँ से शुरू की थी सीतामढ़ी हर चौका से और ये पूरी यात्रा करते करते अब हम यहाँ पर रामाराम में पहुँचे हैं। तो यह है और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो माता है चिटमिटिन माता उनका मंदिर है, उसके बाद रॉक गार्डन है, माया माटी पदचिन्ह, प्रभु श्री राम भूदेवी की कुटिया है, जामन जी की गुफा है। तो ये सारे चीज़ आपको रामाराम में, जब आप रामाराम में आएंगे तो देखने मिलेंगे। मैं अंदर चल रहा हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये प्रवेश द्वार है रामाराम श्री राम वनगमन परिपथ का और इससे आगे हमें थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है, ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है।
ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है और ज़्यादा दूर नहीं है, तो बस थोड़ा ही दूर है, तो हम चलते हैं। देखिए ये भाई साहब छोड़ने आए हमें। क्या नाम है भाई आपका? माड़वी लखमू। माड़वी लखन लखमू लखमू लखमी तो ये है। ठीक है चले। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं यहां पर, और जब आप आएंगे तो यहां पे देखिए मंदिर है, हम चलेंगे। लेकिन यहां पे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने एक रॉक गार्डन बनाया है, जो यहां छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन है। तो पहले मैं आपको ये रॉक गार्डन दिखा देता हूं, यहां के सारे जगह दिखा देता हूं, और उसके बाद फिर हम मंदिर में चलते हैं दर्शन करते हैं। दोस्तों ये है रॉक गार्डन, और जैसे आप रॉक गार्डन में आएंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें देखने मिलती हैं। पहले तो दो हाथी बनाए गए जो आपका वेलकम करते हैं, और उसके बाद यहाँ फेस बनाए हुए हैं, 10 फेस बनाए जो 10 अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन दे रहे हैं, और एक गेट बनाए। तो ये रॉक गार्डन बनाने का जो मेन पर्पज़ था यहाँ पर मंदिर के पास, वो ये है कि यहाँ पे जो मंदिर के जो कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम के लिए एक अच्छी जगह हो, वो हिसाब से यहाँ पे पीछे स्टेज बनाया गया है। और यहाँ से ये रास्ता है, देखिए ये गेट है, तो यहाँ से अंदर चलते हैं। ये सारे फेसेस यहाँ पे लगाए हुए हैं, और इनके सबके एक्सप्रेशन देखिए उन अलग है। उसके वहाँ से आप देखते आएंगे तो सारे फेस एक्सप्रेशन अलग दिया हुआ है। और ये देखिए ये ना कोई यूरोपियन स्टाइल में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट यूरोप में एक स्ट्रक्चर है जो वैन एलन बेल्ट पर है, वो अपना धरती का चुंबकीय क्षेत्र है, वहाँ पे एक ऐसा ही एक बनाया गया स्ट्रक्चर है, बट आई थिंक मुझे लग रहा है उसी से ही इंस्पायर है। और यहाँ पे देखिए एक ये सर्कल है, तो ये जो सर्कल्स हैं इनके भी कुछ पर्पस होंगे। एग्जैक्टली किस लिए बनाया है यहाँ पे कुछ बताया नहीं है, बट ये कुछ है इसका मीनिंग। ऐसे यहाँ पे 3-4 है, एक यहाँ है एक वहाँ है, वैसे 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे एक केव है। तो ये देखिए ये केव है, और ये केव में जाने का रास्ता है, तो इस तरीके से केव में जाते हैं। ओहो ये तो पूरा डार्क है, हाँ ये बंद कर दिया। तो ये डोर है, ये केव्स के अंदर भी जाने का रास्ता है, लेकिन ये अभी डोर बंद है। तो ये ऐसे केव्स हैं यहाँ पे, ये केव्स के पीछे ये बनाया गया है। एक्चुअली इनको यहाँ पे नाम देना चाहिए था, और ये क्या चीज़ है वो बताना चाहिए था, तो कुछ डिज़ाइन करके ही बनाया होगा, बट वैसे कहीं यहाँ पे बोर्ड नहीं लगाया हुआ है, तो ये भी एक चीज़ है। और यहाँ पे ये देखिए ये आइकॉनिक है, ये बहुत पहले से है यहाँ पे। रॉक गार्डन्स वगैरह ये तो अभी सब डेवलप हो रहा है, बट ये जो है हनुमान जी की जो मूर्ति एक पत्थर पे, ये सदियों से यहाँ पे है। और हनुमान जी के दर्शन करके हम यहाँ से जाते हैं, तो ये आगे जाने का रास्ता है। और कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के जब आप ऊपर आएंगे तो देखिए आप ये खूबसूरत जगह पे पहुँचेंगे। यहाँ पर देखिए रॉक गार्डन नीचे बनाने का एक रीज़न तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे नेचुरल रॉक्स है। ये सब आप देखेंगे, ये रॉक गार्डन बनाने के पहले से यहाँ पे नेचुरल रॉक्स है। नीचे हमने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी के बाद ऊपर आएंगे तो देखिए यहाँ पे चारों तरफ जो है पत्थर पहले से पड़े हुए, ये बनाए नहीं गए, तो इसलिए शायद सरकार ने सोचा होगा कि यहाँ पे इस तरीके से रॉक्स मिलते हैं, तो क्यों ना यहाँ पे एक रॉक गार्डन बनाया जाए। ये जो जगह है ये कितने घने जंगल में है ये मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले हम दर्शन करते हैं। तो वहाँ से मैं दिखाता हूँ बाहर कितना बड़ा घना जंगल है। ये सुकमा का जो जंगल रेंज है इसके बारे में ही कहा ही जाता है, जो जंगल जो है वो यहाँ के लोगों का जीवन है, और इसी जंगल में गाँव है जहाँ पर कई अलग अलग तरह के जो आदिवासी समुदाय है वो रहते हैं। यहीं पे ये पर्वत पे ये जो आप देखेंगे ये वही जगह है जहाँ प्रभु श्री राम जी ने अपनी भूदेवी की पूजा की थी। यहाँ पर अभी इसे अच्छा बना दिया गया है, और अंदर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक चिन्ह है। ये जो चिन्ह है ये पुरातत्व विभाग के अंडर आता है, ये बहुत पहले से है यहाँ पर। ये किसी राजा महाराजा के जो चिन्ह होते थे, जो उनके ध्वज वगैरह पे होते थे, जो उनके राज्य का जो सिंबल होता था वो है। और इससे आगे फिर आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक और नया कुटीर जैसा बनाया गया है। तो ये जो जगह है ये यहाँ का प्रमुख है, ऊपर पहाड़ी के ऊपर ये जो जगह है ये प्रमुख है, और इसके बाद यहाँ पे एक नया बनाया जा रहा है अभी, तो ये भी है। अभी इसके अंदर तो कुछ है नहीं, हो सकता है इस जगह का भी कुछ इम्पोर्टेंस होगा। और इससे आगे हम जाते हैं तो हमें प्रभु श्री राम जी और सीता जी के दर्शन होते हैं। ये जो मूर्ति है यहाँ पे ये बहुत सालों से है, ये यहाँ पे देखिए भगवान श्री राम सीता जी हैं। और मैं जो आपको बता रहा था कि यहाँ से आप बाहर देखेंगे तो यहाँ के जंगल, तो यहाँ पर देखिए बाहर आपको यहाँ से सारे बनाए हैं, यहाँ पे स्टैंड, यहाँ पे सारी बाउंड्रीज लगाई है, और आप नीचे देखेंगे तो चारों तरफ पूरे घने जंगल हैं,
पूरे घने जंगल है, वहाँ दूर दूर तक पहाड़ी है और ये पूरा घना जंगल है। और घने जंगल के ऊपर अभी हम भी थोड़ा ऊपर चढ़ के एक पहाड़ के टॉप पे आए, तो ऊपर आप आएंगे तो आपको इस तरह का व्यू दिखाई देगा। जैसे आप वहाँ पे राम जी और सीता जी के दर्शन करके आएंगे तो यहाँ पे कुंड के समान है जहाँ से हमेशा पानी निकलते रहता है। ये हमेशा नेचुरल पानी का जो ये सोर्स है, उद्गम स्थान जैसे होता है उस तरीके से ये कुंड की तरह है जहाँ से हमेशा पानी आते रहता है। और फिर हम यहाँ से आगे जाते हैं। यह आप देखिए नेचर वाइज कितना खूबसूरत है, दूर दूर तक सिर्फ जंगल है, पूरे जहाँ तक आप देखेंगे सिर्फ जंगल है। और यहाँ पर आपको बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट भी जगह जगह पे की है, तो आप यहाँ से बैठकर यहाँ के व्यूज़ को देख सकते हैं। तो ये सुकमा की खासियत है यहाँ के ये जंगल, घने जंगल। और चलते हैं अभी हमें आगे की तरफ और जाना है। छत्तीसगढ़ में काफ़ी दिनों से घूम रहा हूँ और छत्तीसगढ़ के आप मेरे सारे वीडियो देख लीजिए जो हमने छत्तीसगढ़ के सीरीज़ में बनाए हैं। इन सारे वीडियो में जो भी हमने जगह गए हम उन सारे जगहों की कुछ ना कुछ अलग ही खासियत थी और हर जगह जो था बहुत ही खूबसूरत था। उन 9 स्थान में हम जज ही नहीं कर सकते कि कौन सा जगह सबसे ज़्यादा अच्छा है और कौन सा ख़राब है। सारे जो जगह है सबकी अपनी अपनी खासियत है और ये जो जगह है ये तो मुझे अपने नेचर वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरी दूर दूर तक खाली पहाड़ और जंगल और हरियाली आपको दिखेंगी। और ये रास्ता यहाँ पे जा रहा है, रामायण के एक बहुत अहम भूमिका थे जामवंत जी, और यहाँ पर जामवंत जी की गुफा थी और ऐसा माना जाता है जामवंत जी भी यहाँ पे आए थे। तो ये उनको समर्पित यहाँ पे गुफा है। थोड़ा ये जंगल में जाना पड़ता है, आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा 100 मीटर लगभग। नीचे पूरे जंगल है और ये जंगल से ये रास्ता बना है, पक्का रास्ता बना है, बस इस रास्ते को आपको पकड़ते हुए वही चलते रहना है। और यहाँ पे वही देखिए आप जो नीचे रॉक आर्टिफिशियल थे और यहाँ पे आपको जो एक्चुअल रॉक गार्डन दिखेंगे। तो देखिए आप ये सीढ़ी से नीचे आते हैं तो यहाँ से जो आपको जामवंत जी की गुफा दिखाई देती है, ये सारे जो आप नीचे देख रहे हैं गुफा है ये पूरा। और यहाँ पे एक ऐसा है कि देखिए ये थोड़ा सा ना यहाँ से ये रास्ता है, आप यहाँ से नीचे जाते हैं, ये नीचे गुफा है और ऊपर आप देखेंगे तो देखिए बड़े बड़े पत्थर है, चट्टान है। इस जगह को जामवंत जी की गुफा कहते हैं। और यहाँ से जो ये आप नीचे सुरंग देख रहे हैं वो वहाँ से आप ऐसे जाते हैं और फिर यहाँ से इसके पीछे से ये पत्थर के पीछे से आप होते हुए आप वहाँ से नीचे से आते हैं वहाँ पे। और नीचे से फिर ये जंगल से एक रास्ता है, तो ये जामवंत जी की गुफा तो यही है लेकिन यहाँ से फिर ये जंगल से रास्ता है। और इस रास्ते से भी आप चाहें तो फिर ये ऐसे पीछे से घूम के जंगल के नीचे से होते होते जो हम रॉक गार्डन में जहाँ से हम आए थे जहाँ पे मंदिर है आप वहाँ पे पहुँचते हैं शुरुआत में। तो नीचे से भी जंगल का भी रास्ता है लेकिन अभी बारिश हुई है, फिसलन ज़्यादा है, तो अब हम नीचे से नहीं जाएंगे, हम जिस रास्ते से आए ऊपर हम उसी रास्ते से चलेंगे। तो दोस्तों अब मैं आ गया यहाँ नीचे, जो यहाँ पर जो प्रमुख देवी हैं, प्रमुख देवी के दर्शन करने चिटमिटिन माता जो है, ये जो देवी है ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख देवी है। यहाँ छत्तीसगढ़ में एक दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का मंदिर है और दूसरा यहाँ सुकमा में चिटमिटिन माता का जो मंदिर है। ये दोनों जो मंदिर है छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख देवी के स्थान है और ऐसा माना जाता है कि ये जो दोनों देवियां हैं ये दोनों बहन है। और आप जब दर्शन करने यहाँ पर आए तो आप याद रखिये ये मंदिर सिर्फ हफ्ते में 2 दिन खुला रहता है, एक मंगलवार के दिन और एक शुक्रवार के दिन, और बाकी दिन ये मंदिर बंद रहता है। लेकिन बाकी दिन भी जब आप आएंगे तो आपको माता के दर्शन हो जाएंगे, मंदिर बंद होगा लेकिन फिर भी दर्शन हो जाएंगे। आज जैसे संडे मैं आया हूँ, मंदिर बंद है लेकिन हमने माता जी के दर्शन कर लिए। यहाँ पर अप्रैल में मेला होता है, जो यहाँ रामाराम का मेला है वो बहुत प्रसिद्ध मेला है, जो बिल्कुल आदिवासी रीति रिवाज कल्चर के साथ में मनाया जाता है। और उस मेले में सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं तेलंगाना उड़ीसा आंध्रा से लाखों लोग यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों ये है सुकमा का रामाराम गांव और रामाराम गांव में स्थापित चिटमिटिन माता का मंदिर। और इस मंदिर में दर्शन के बाद से, ये रामाराम की यात्रा के बाद से हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो यात्रा है ये समाप्त होती है। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था हम एकदम ऊपर से आए थे और पूरी यात्रा करते करते अब हम छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे निचले हिस्से में आके रामाराम के दर्शन कर लिए। मैं काफी दिनों से छत्तीसगढ़ में था और मेरा जो छत्तीसगढ़ का जो अनुभव रहा, जो एक्सपीरियंस रहा,
रहा वो बहुत ही शानदार रहा। यहाँ के लोग, ऐसी एक कहावत है, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, तो छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत नेचर वाइज अच्छे होते हैं। और ये जो जगह है ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैंने छत्तीसगढ़ के सारे जो प्रमुख स्थान है उसके वीडियोस बना दिए और आपको मैंने सारे जगह की काफ़ी डिटेल में जानकारी दे दी। और आप छत्तीसगढ़ का प्लान कीजिए, बहुत सारे प्रॉब्लम है यहाँ पे नक्सलवाद का, माओवादी का, लेकिन जब आप यहाँ पे यात्रा करने आएंगे आपको कभी कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। मैं इतने दिन से था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं यहीं रामा राम के चितमिटिन मंदिर में समाप्त करता हूँ। आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको यहाँ रामा राम की संपूर्ण जानकारी मिली होगी। अब हमारी ये जो यात्रा है ये आगे बढ़ने वाली है और अब हम छत्तीसगढ़ से उड़ीसा राज्य में जाने वाले हैं और मैं उड़ीसा राज्य के प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा की आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय, गुड डे, सी यू, जय श्री राम।